आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप के बारे में। हाइड्रोलिक पंप होता क्या, देखते हैं। हाइड्रोलिक पंप, द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप। पंप वह मशीन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंप की सहायता से हम वाटर के प्रेशर को बढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं। टाइप्स ऑफ पंप, पंप के टाइप्स। पंप दो टाइप्स के होते हैं, पहला है डायनेमिक पंप, दूसरा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायनेमिक पंप भी दो टाइप का होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेकंड एक्सियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमको पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इससे। सेकंड है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसके दो टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हमको पढ़ना है, ये भी 10 नंबर के एग्ज़ाम में पूछता है। सबसे पहले देखते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप, इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा, प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहेगा वाटर के, बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, द हाइड्रोलिक मशीन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप वह पंप होता है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी सहायता से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से कन्वर्ट करते हैं। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से बाहर की ओर लगाया जाता है, बाहर की तरफ लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बाहर की तरफ जो लग रहा है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी हमको यही देखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे इसको। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें क्या रहता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें क्या रहेगा, बाहर से सेंटर की तरफ लगाया जाने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। जो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसके बाद है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू ए सिलेंडर, यहाँ पे जो लिक्विड आता है उसको क्या करता है ये सिलेंडर, क्या करता है सिलेंडर में इसको खींचता है। इन विच ए पिस्टन इज़ रेसिप्रोकेटिंग, यहाँ पे हमको सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट दिख रहा है, ये पिस्टन क्या होगा यहाँ पे, रेसिप्रोकेट होगा, मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड साइड। रेसिप्रोकेटिंग पंप, इफ़ द मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय सकिंग द लिक्विड इनटू ए सिलेंडर इन विच ए पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग विच एग्जर्ट द थ्रस्ट ऑन द लिक्विड एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रेशर, द पंप इज़ नोन एज रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, सक्शन पाइप से जो लिक्विड ऊपर जाते रहता है उसको सिलेंडर क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट रहता है, पिस्टन क्या होता है कभी फॉरवर्ड जाएगा कभी बैकवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो जब लिक्विड को ये खींचेगा तो पिस्टन के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे एक थ्रस्ट लगाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इस टाइप से ये रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन सिलेंडर की सहायता से लिक्विड के प्रेशर को हम बढ़ाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे ख्याल से ये आप लोग को पंप का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। हमारे सिलेबस में सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि एग्ज़ाम में आता ही है 10-10 मार्क्स का। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग देखेंगे। ओके, थैंक यू।